सो रेडमी बर्ड्स 5 वर्सेस वन प्लस नॉट बर्ड्स 2। देखो सेम प्राइस में आने वाले दोनों ईयरबड्स है, दोनों की प्राइस 3000 रुपए है। अभी कुछ ही दिनों पहले रेडमी बर्ड्स 5 लॉन्च हुए हैं और इसी प्राइस रेंज में वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 पिछले कुछ महीनों से वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो क्वालिटी वाले ईयरबड्स में से एक है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों की डिटेल में रिव्यू करेंगे, इनकी एग्जैक्ट ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा, साथ ही बाकी सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। दोनों की अपने अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं, इस वजह से इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन भी ज्यादा है। तो क्या फिलहाल आपको 3000 रुपए में Redmi Buds 5 के साथ जाना चाहिए और क्या OnePlus Nord Buds 2 अभी भी इस प्राइस में एक बेस्ट ईयरबड्स है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले सेल में ये ओप्पो इनको बर्ड्स 2 1800 रुपए वाले ईयरबड्स सिर्फ 1200 के मिल रहे थे। OnePlus Nord Buds 2 R को मैंने मिंत्रा से सिर्फ 1600 में परचेस किया था, जो 2200 रुपए के TWS है। और ये Honor Magic Watch 2 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5500 की मिल रही थी, जो विद इन अ सेकंड आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है, जो आपके इस सेल में काफी काम आ सकता है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे ऑलरेडी दोनों को डिटेल में रिव्यू किया है, जहां पर इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। फिर भी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट OnePlus Nord Buds 2 Redmi Buds 5 के कंपैरिजन में काफी सॉलिड है, स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी आपको OnePlus में देखने को मिलेगी। वैसे थिकनेस में Redmi Buds 5 काफी कॉम्पैक्ट है, इनका डिजाइन भी अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में OnePlus से काफी पीछे है। इनके हिंजेस मुझे बहुत ही लूज लगे, साथ ही लीड की क्वालिटी भी एवरेज है। इसके अलावा OnePlus में एक दिक्कत है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से पॉकेट वगैरह में कंफर्टेबली कैरी नहीं कर सकते। अगर बात करें ईयरबड्स की तो Redmi Buds 5 फुल स्टेप इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है, वही OnePlus में फ्लैट स्टेप इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स मिलेंगे। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन कंफर्ट और फिटिंग पर्सनली मुझे OnePlus की ज्यादा बेटर लगी। यहाँ पर Redmi IP54 और OnePlus IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो यहाँ पर भी स्लाइटली एज OnePlus को है। देखो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के लिए Redmi Buds 5 को इसके ईयरबड्स की वजह से दूंगा 3.5/5 स्टार और OnePlus को दूंगा 4.5/5 स्टार। अब एक बार जल्दी से इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Redmi Buds 5 दे 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, इन ईयर डिटेक्शन, क्वाड माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 46 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस रेजिस्टेंट IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, फुल टच कंट्रोल, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 38 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा OnePlus Buds 2 भी आते 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, HamRadio ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 25 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 94 ms लो लेटेंसी, टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 36 आवर की बैटरी बैकअप मिलेगी। स्पेसिफिकेशन के मामले में ANC को छोड़ दे तो दोनों में आपको लगभग सेम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ Redmi Buds 5 में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड का ऑप्शन नहीं मिलता, वही इन ईयर डिटेक्शन और गूगल फास्ट पेयर के ऑप्शन आपको OnePlus में नहीं मिलेंगे। तो दोनों के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी हैं, इस वजह से दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए दूंगा 4.5/5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो Redmi Buds 5 में आपको Xiaomi ईयरबड्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा और OnePlus में HamRadio ऐप का सपोर्ट मिलता है। दोनों के एप्लीकेशन में आपको लगभग सेम ही फीचर्स मिलेंगे, सिर्फ OnePlus Buds 2 में आपको कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, जो Redmi Buds 5 में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा ANC को कस्टमाइज करने के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको Redmi Buds 5 में मिलेंगे, साथ ही इन ईयर डिटेक्शन और ईयरबड फिट टेस्ट जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो OnePlus में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर भी दोनों के पास कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी हैं, फिर भी दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4/5 स्टार। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। सबसे पहले इनके माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो Redmi Buds 5 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। सो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है Redmi Buds 5 का, अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। यहाँ पर दोनों में आपको क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिलता है, कॉलिंग दोनों की प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों ही जगह पर आप इनको यूज कर सकते हो,
आउटडोर्स में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आती है बट आपकी आवाज सामने वाले को क्लियरली सुनाई देगी। कॉलिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। सो इन ईयर डिटेक्शन का फीचर होने की वजह से Redmi Buds 5 के ANC का फीचर इसको कान में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। OnePlus का ऑलरेडी टेस्ट किया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो OnePlus में 25 dB और Redmi में 46 dB हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। हाइब्रिड का मतलब हार्डवेयर और AI का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हार्डवेयर में लगभग 25 dB और बाकी का 24 dB AI के थ्रू होता है। जितना मैंने इन दोनों को यूज किया है तो यहाँ पर ANC के मामले में Redmi Buds 5 थोड़े से बेटर है। OnePlus भी ठीक ठाक है लेकिन आउटडोर्स में आपके काम नहीं आने वाले, आउटडोर्स में Redmi Buds 5 थोड़े से बेटर वर्क करते हैं। सो माइक क्वालिटी के लिए मैं दोनों को ही सेम नंबर दूंगा, लेकिन एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के लिए Redmi Buds 5 को दूंगा 4.5 out of 5 star और OnePlus को दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Redmi में आपको कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता, लेकिन OnePlus के डेडिकेटेड गेमिंग मोड में आपको 94 millisecond की लेटेंसी मिलती है। अगर आप OnePlus का ही फोन यूज करते हो तो लगभग ना के बराबर लेटेंसी आपको उसमें मिलेगी। गेमिंग के मामले में क्लियरली OnePlus विनर है, यहाँ पर लेटेंसी टेस्ट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। वैसे OnePlus की लेटेंसी को मैंने इसके रिव्यू वीडियो में टेस्ट किया है, पर्सनली मुझे इसकी लेटेंसी 94 मिलीसेकंड से थोड़ी सी कम ही लगी। सो इन दोनों के कंपैरिजन में गेमिंग के लिए OnePlus को फुल मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों की मेन साउंड क्वालिटी की। इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी इनके डिफॉल्ट मोड में आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्लस वोकल्स और लास्ट में एक BGM को भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. तो ये थी इनके एक्चुअल साउंड टेस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को दोनों की ऑडियो को सुनकर आइडिया लग चुका होगा कि किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर है। देखो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, क्लियरली आपको एक बात कहना चाहूंगा कि OnePlus Nord Buds 2 ऑडियो क्वालिटी के मामले में Redmi Buds 5 से कहीं ज्यादा बेटर है। वोकल्स, ट्रबल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और बेस वगैरह आपको सब कुछ OnePlus में टॉप नॉच मिलता है। Redmi Buds 5 का साउंड थोड़ा सा बैलेंस है, लेकिन वोकल्स की क्लैरिटी थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। इसका बेस भी मुझे थोड़ा सा कम लगा एज कम्पेयर टू OnePlus। OnePlus Nord Buds 2 एक बेस हैवी ईयरबड्स है, थोड़ा ज्यादा बेस आपको इसमें सुनने को मिलता है जो OnePlus के सभी ईयरबड्स में आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। अगर म्यूजिक क्वालिटी के लिए इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं आपको OnePlus को ही सजेस्ट करूंगा। Redmi को ऑडियो क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव करने की जरूरत है। ओवरऑल यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी के लिए Redmi को दूंगा 3.7 out of 5 star और OnePlus को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो दोनों की प्राइस 3000 रुपए है, लेकिन OnePlus Nord Buds 2 सेल वगैरह में आपको 2500 रुपए तक भी मिलते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं OnePlus Nord Buds 2 को ही चूज करूंगा, जो 3000 रुपए में एक ऑलराउंडर ईयरबड्स है। सबसे बेस्ट मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी लगी, हालांकि बेस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कस्टम इक्वलाइजर के साथ बेस को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर भी अगर आप दोनों को लेकर कंफ्यूज है तो इनकी ऑडियो टेस्ट को 3-4 बार फिर से सुन लो, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये Redmi Buds 5 और OnePlus Nord Buds 2। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।